भैया के पास में आम आया है मस्त वाला, तो आम बेचेंगे, इसी में भी कमाई होगा 2 रुपया, देख सकते हैं क्या भैया। और भैया 30 रुपये किलो दिए, आराम से 40 रुपये बिकेगा दिल खोल के, तो क्या भैया बिकेगा ना 40 में। क्वालिटी देख सकते हैं दोस्तों कितना मस्त है, आम का बोनी हो गया है देख सकते हैं, 37 रुपये किलो दे रहे हैं। अस्सी रुपये किलो टमाटर हो, 20 रुपये पाव आज। हाँ लो दोस्तों नमस्कार, मैं विकास सब्जी वाला आप सभी का स्वागत करता हूँ एक और न्यू ब्लॉग्स में। दोस्तों सुबह का वक्त है, आप सभी को दिल से गुड मॉर्निंग। और दोस्तों आज बहुत दिनों के बाद जा रहे हैं दोस्तों सब्जी मंडी, गोला सब्जी मंडी, देखते हैं सब्जी मंडी में क्या क्या खरीद पाते हैं दोस्तों, और आज हम लोग का बाजार कैसा रहने वाला है, क्योंकि सुनने में आया है कि सब्जियों का रेट बहुत ज़्यादा बढ़ गया है दोस्तों। और फिलहाल अभी मैं बाड़ी तरफ हूँ दोस्तों, चलिए दोस्तों अब सब्जी मंडी की ओर चलते हैं, गोला सब्जी मंडी की ओर। माँ हम जा रहे हैं बाजार है ना, हाँ। खाना वाना बना के आइएगा। हाँ, चलिए दोस्तों हम लोग चलते हैं बाजार, माँ खाना बना के 8 बजे आएंगे, 8 बजे से फिलहाल अभी हम चलते हैं। और कुछ इस प्रकार से हम लोग का गांव है, मंडी पहुंच गए हैं दोस्तों, आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से लगता है। और मेरा मोबाइल का कैमरा भी थोड़ा सा डाउन हो गया अपडेट के बाद में, तो चलिए फिलहाल अभी जो टमाटर के रेट हम लोग पूछ लेंगे, क्योंकि बहुत महंगा हो गया है टमाटर, और बाजार कुछ इस प्रकार से अभी लगा है। तो अभी हम लोग चलते हैं सुजीत भैया के पास में, इनके पास हम लोग टमाटर लेते हैं, पूछ लेंगे। आ गए हैं दोस्तों देख सकते हैं टमाटर, टमाटर कैसे बिक रहा है भैया? गांके नहीं दाम लगा रहा है, हाँ। तो बोल रहे हैं तो देख सकते हैं लोकल वाला जो है बोल रहे हैं भैया 1600 रुपया के रेट, यानी कि 60 रुपया, 60-65 रुपया पड़ जाएगा आपका ये वाला, तो एक करेट हम ये वाला ले लेते हैं। और बेंगलोर भी आया है तो बेंगलोर का भी देख लेते हैं थोड़ा क्या, बेंगलोर का क्वालिटी देख सकते हैं इस प्रकार से लाल है पूरा एकदम। ये वाला कैसे रहेगा भैया रेंज इसका? 90-100 2400 रुपये ट्रे सोच सकते हैं, 2500 रुपये ट्रे, 100 रुपये किलो अपना खुद का पड़ जाएगा, 2 किलो खराब निकलेगा 110 पड़ जाएगा, 110 रुपये किलो अपना पड़ जाएगा सोच सकते हैं दोस्तों। चलिए और हम ले लेते हैं वाला, देखते हैं आज बेच पाते हैं कि नहीं बेंगलोर टमाटर, हम लोग का औकात से बाहर का चीज है छोटा दुकानदार के लिए। तो भैया एगो बेंगलोर वाला भी दे दीजिएगा है ना। तो दोस्तों देख सकते हैं मनसा भैया के पास में आ चुके हैं, भैया के पास में आम आया है मस्त वाला, तो आम बेचेंगे, इसी में भी कमाई होगा 2 रुपया, देख सकते हैं क्या भैया। और भैया 30 रुपये किलो दिए, आराम से 40 रुपये बिकेगा दिल खोल के, तो क्या भैया बिकेगा ना 40 में। क्वालिटी देख सकते हैं दोस्तों कितना मस्त है ना भैया, 4 कैरेट लेंगे भैया, ठीक है। और देखते हैं 4 कैरेट आज बेच पाते हैं कि नहीं आम भी। चलिए दोस्तों फटाफट अपना दुकान लगाते हैं, जिस प्रकार से कीचड़ हो गया था दे दिए थोड़ा मिट्टी। और चलिए देखिए ये है फल का भी लगाना पड़ेगा सारा, चलिए फटाफट अभी अपना दुकान लगाते हैं दोस्तों।
सामान लगा चुके हैं कुछ इस प्रकार से, और बरसात का दिन आ रहा है इसलिए हम लोग को कैरेट में लगाना पड़ रहा है ताकि कीचड़ उचड़ ना लग जाए सब्जी में। देख सकते हैं कैसा कीचड़ हो जाता है, मिट्टी भी कल ला के भर दिए हैं पूरा। तो चलिए टमाटर भी आ चुका है जिसको हम लोग ढक दिए हैं, बहुत महंगा भी टमाटर है। अब चलिए कुछ कुछ सब्जियां लेने के लिए चलते हैं। और देखिए हम लोग का देहाती मकई वाला है, 10 रुपये किलो खुदरा बेचते हैं। चलिए फटाफट अब चलते हैं कुछ कुछ सब्जियां लेने के लिए। गुड मॉर्निंग भाई। दोस्तों देख सकते हैं थोड़ा मिर्चा का बाजार, मिर्चा कैसे बिक रहा है भैया? 110। तो देख सकते हैं 110 रुपया, और हम लोग कैसे पौवा बेचेंगे समझ में नहीं आ रहा है। 10 रुपये 100 ग्राम ग्राहक मांगते हैं, और खरीद रेट यहाँ पर हम लोग का 110 रुपया पड़ जाता है। 100 रुपया दीजिएगा भैया, नहीं पड़ेगा 100 रुपया चलिए से 110 बोलिए। तो 110 रुपये किलो लिए हैं मिर्चा दोस्तों, अब देखते हैं कैसे बेच पाते हैं, बड़ा मुश्किल है। हम लोग 5 किलो मिर्चा लिए उसमें हम लोग 550 रुपया लग गया है, और चाची को पैसा दे दिए हैं, चाची बेच के जा रहे हैं, बहुत खुश है वो इतने थोड़ा में इतना पैसा। तो देखते हैं कैसे पौवा, 40 रुपये पौवा हम लोग को लगभग बेचना पड़ेगा, यानी 4×16 कोई चांस नहीं है। चाचा कैसे पौवा बेचेंगे 110 रुपये लिए? 100 रुपये मिलता है लेकिन 110 नहीं है, 5 किलो कैसे पौवा बेचेंगे? 40 3×4 देखते हैं ना कैसे बिकेगा, अपने 40-40 बोल के रखेंगे का। दोस्तों चाचा आए हैं बाजार, तो चाचा के बोले हैं दुकानदारी संभालने के लिए, पापा का तबीयत खराब है ना, क्या सुनाई आए ना चाचा? पापा हो सकता है लेट से आएंगे, तबीयत उनका खराब हो गया होगा इसीलिए, तो चाचा बोले हैं बेच दे रहे हैं हम, तुम कुछ कुछ लो। चाची बाजार ठीक ठाक है ना? नहीं भाभी लगते हैं का। अरे कैसा फूल गोभी लिए हैं, पूरा कीड़ा लग गया है, बरसात में ऐसा ही होता है का, नहीं बिकने से नुकसान हो गया। टमाटर लाए उसमें भी गलल निकल रहा है, 1 किलो गलल निकलेगा ना भाई, 90 रुपया जाएगा बर्बाद, इतना महंगा टमाटर है क्या? 1 किलो में 90 रुपया जाएगा सीधे, और कैरेट भी कीड़ा टस टस आएगा तो पूरा का। छोटू मिर्चा कैसे पाओ? 40 रुपया पाव है, 40 रुपया पाव ना, 100 रुपये सुन रहे बिक रहा है। हाँ चलिए कछु आ गया है दोस्तों, लेते हैं दंदन आदन। भैया के पास में अरबी ले लिए हैं जिसे हम लोग कछु बोलते हैं, 35 रुपये लिए हैं ना भैया, यही भैया के पास लिए हैं। चलिए ले जाइए भैया, 10 रुपया देंगे तो भैया ले जा देंगे। दोस्तों पापा के घर से आ चुके हैं, और चाचा भी है, ऐसा चाचा होना चाहिए, और मेरा कच्चू भी आ गया, थोड़ा सा कीचड़ कीचड़ इसको साफ कर देंगे, अभी बाल्टी पानी है तो अब फटाफट लगाएंगे इसमें। कच्चू हम लोग बोलते हैं, हिंदी में अरबी बोला जाता है, सब क्षेत्र में अपना अपना लैंग्वेज होता है। चलिए इसको धो देते हैं, फिर लगा दे रहे हैं, मस्त लगेगा। क्या पापा आप साफ दिखे ना धोने से, और आप बहुत लेट से आए भैया, देखे जा रहे हैं बाजार में ब्लॉग शूट करना भी बड़ा मुश्किल है, सब हंसते रहते हैं। और मंडी में देख सकते हैं दोस्तों कच्चा बादाम चढ़ चुका है, कैसे बादाम? 40 रुपये लास्ट बोल रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, नया चीज है तो नया चीज चढ़ चुका है देख सकते हैं। दोस्तों सुबह का 8:30 बज चुका है, और बाजार बहुत भयानक तेजी है, खाली खाली हो गया भाई। बोधी कैसे बोल रहे हैं? देखिए बोधी जो बरबट्टी है 40 रुपये बोल रहे हैं, ज्यादा सब्जी हम नहीं खरीद सके हैं। चलिए दिखाता हूँ क्या क्या खरीदे हैं। दोस्तों माँ भी घर से आ चुके हैं, सब सब्जी महंगा हो गया दोस्तों, इतना आम जो है ये खरीदे हैं, उधार खरीदे हैं, आम भी खरीदे हैं उधार, टमाटर भी खरीदे हैं उधार, और भयानक पैसा देना पड़ेगा शाम का। माँ 2200 रुपया देना है बेंगलोर टमाटर का उधार खरीदे हैं, और इसका देना 1450 से 1500 रुपया देना है लोकल टमाटर का। और पहली बार जब हम लोग 100 किलो आम खरीदे हैं, देखते हैं बेच सकते हैं कि नहीं, क्योंकि सब सब्जी महंगा हो गया है, सब्जी महंगा हो गया है उसमें ज़्यादा पैसा पूंजी लगता है और बिकता नहीं है। और मनसा भैया के पास में आम ले लिए हैं, 30 रुपये किलो लिए हैं, यानी 40 रुपये किलो आराम से लेते हैं। भैया लीजिएगा 40 रुपये किलो है, हाँ सीजन खत्म हो रहा है, देखते हैं कि आज 4 कैरेट हम लोग का टमाटर बिकता है कि नहीं, सॉरी 4 कैरेट हम लोग का बेच पाते हैं कि नहीं, ताकि अपना जीवन में पहली बार जो है हम 4 कैरेट टमाटर यानी 100 किलो टमाटर 100 किलो जो है आम खरीदे हैं, इसमें 2-2 किलो बाद रहता है माइनस किया हुआ, देखते हैं।
कुछ ग्राहक आ चुके हैं देख सकते हैं दुकान में, और माल तोलने का काम करते हैं और हम वीडियो शूट करने का। जिस टाइम हम काम करते हैं उस टाइम आप लोगों को नहीं दिखा पाता हूँ, क्योंकि मेरा यहाँ जो कोई मोबाइल पकड़ने वाला नहीं रहता है और माँ को भी इतना अच्छा से नहीं आता है मोबाइल वाइल यूज करने का। तो इसलिए आप लोग सोचिएगा कि खाली वीडियो करके दिखाता है कुछ, खुद कुछ काम नहीं करता। और जितना भी सारा सब्जी है ना, हमको सब धो के जो है 100 मीटर दूर ले जाना पड़ेगा और वहाँ पर फूटा उटा प्लास्टिक प्लास्टिक बांध फिर से वहाँ पर बेचना पड़ेगा। चलिए दोस्तों अब बेचना शुरू करते हैं और कुछ देर में जो है सारा सब्जी धो के जो है दूसरा जगह ले जाएंगे। दोस्तों आज जो 8635 रुपये का सब्जी खरीदा, यानी कि 8635 रुपये का सब्जी खरीदे, उसमें जो है लगभग जो है 5000-5500 जो हम लोग उधार में सब्जी खरीदे हैं, जिसमें 3000 का आम और 2200 रुपया का टमाटर, यानी मतलब 6000 रुपया हम लोग उधार खरीदे हैं सब्जी और बाकी नगद में खरीदे हैं। तो देखते हैं जो 8635 रुपये का सब्जी बेचने पर आज हम लोग का कितना का प्रॉफिट होता है, और 4 किलो जो हम लोग आम लिए आज बेच पाते हैं कि नहीं दे सकते हैं। इस तरह का क्वालिटी है, ये लखन है, लेंगड़ा नहीं है, लखन इसको हम लोग बोलते हैं। और देखिए उधर माँ तोल रहे हैं, क्योंकि माँ को मोबाइल पकड़ना आता नहीं है तो हम मोबाइल पकड़ते हैं और माँ तोलते हैं। और इतना सारा सब्जी है दोस्तों, हमको अभी ढो के जो है दूसरा तरफ ले जाना पड़ेगा। आप सोच सकते हैं और गर्मी भी आज बहुत भयानक है, इतना सारा सब्जी जो है ढो के ले जाना पड़ेगा आज, क्योंकि जो है 10-11 बजे के बाद जो है जिधर किसान सब्जी बेचने के लिए आते हैं ना उधर खाली हो जाता है, तो हम लोग को ढो के जो है फिर उधर ले जाना पड़ता है सारा सब्जी। सब कोई चला जाता है, जितना भी खुदरा बेचने वाला रहता है खोची सब जाते हैं उधर बेचने के लिए, इसलिए सारा सब्जी हम लोग को भी उठा के उधर ले जाना पड़ता है। तो थोड़ा सा मेहनत हो जाता है कि सुबह में यहाँ लगाओ फिर धो के फिर दूसरा जगह ले चलो, फिर वहाँ पर तिरपाल ये सब बांधो, फिर बेचो, फिर खोल के सारा सामान लाना पड़ता है, मेहनत थोड़ा बढ़ जाता है। कोई बात नहीं, मेहनत तो करना ही पड़ेगा। और ज़्यादा चाचा ले रहे हैं टमाटर वमाटर, और माँ और हम बेच के दोनों मिल के बेचेंगे। पापा घर जा चुके हैं, उनका तबीयत खराब रहता है इसीलिए। चलिए कुछ देर के बाद अब सारा सब्जी धो के दूसरे तरफ ले जाएंगे। दोस्तों सुबह का 10 बज गया है, अब सारा सब्जी हम लोग को ढो के ले जाना पड़ेगा। ढोने सकेगा माँ? ढोने में पूरा आफत खराब है, 20 रुपया देने खोजते रहेंगे कोई ढो के नहीं ले जा देता है इतना का। ले जा दीजिएगा, 20 रुपया देंगे। हाँ तो चलिए अब ले जाना पड़ेगा ढो ढो के सब। कितना है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 आइटम है दोस्तों, 10 प्रकार का सब्जियां है, सबको ढो के ले जाना पड़ेगा। चलिए फटाफट अब ढोते हैं और दूसरा जगह ले चलते हैं, वहाँ कोना में, यहाँ से 100 मीटर दूरी पर। सारा सामान हम लोग ला चुके हैं और हम लोग आम का बोनी हो गया है देख सकते हैं, 37 रुपये किलो दे रहे हैं। अस्सी रुपये किलो टमाटर हो, 20 रुपये पाव आजी। हाँ तो हमारे सब्जी कुछ नहीं ले रहे ने? नहीं।
छह किलो आम बोनी हो चुका है, आप देख सकते हैं इस तरह से हम लोग का लगा जाता है दुकान 10 बजे के बाद में। और ये सब छोटा दुकान है, और देखिए एक महारानी इधर खा रहे हैं। और उधर बड़ा दुकान है जहाँ पर जो बिजेरिया ब्लॉक्स विजय भैया सब्जी खरीदने के लिए आते हैं यहाँ पर। और बाकी हम लोग का इधर छोटा दुकान है, और पूरा लंबा लगता है पूरा उधर कपड़ा दुकान बैग वग सारा कुछ। चलिए प्लास्टिक बांध लेते हैं, उसके बाद बेचना शुरू करेंगे शाम के 7 बजे तक। दोस्तों रात का 8 बज चुका है, देख सकते हैं एक क्रेट आम बचा हुआ है और वहाँ पर भी एक टोकरी बचा हुआ है, तो इसको भी हम लोग जो टोकरी कपड़ा से ढक देंगे अच्छा से ताकि चूहा ना खाए, और यहीं पर रखना है सब हम लोग को। चलिए इसे फटाफट रख देते हैं। हरा सब्जी सब खत्म हो गया लगभग क्या माँ, और बस आम हम लोग का रख गया है वही एक क्रेट और इतना थोड़ा सा बचा हुआ है, यानी 50 किलो जैसा आम बच गया है। बाकी टमाटर भी मिर्चा भी बचा हुआ है। चलिए अब घर चलते हैं दोस्तों, और घर में जाने के बाद हम लोग डिस्कस करते हैं कि आज हम लोग कितना फायदा हुआ कितना का हुआ सारा कुछ डिस्कस करेंगे दोस्तों। दोस्तों रात का 10 बज चुका है और हम नहा लिए हैं, काहे बहुत गर्मी लग रहा था, पूरा सामान लौटे थे तो पूरा पसीना पसीना हो गया था, लसलसा रहा था पूरा बॉडी शरीर इसीलिए। और आज हम लोग जो है 8635 रुपये का सब्जी खरीदे थे, उसमें जो है 5-6 हज़ार का सब्जी हम लोग उधार खरीदे थे, जिसमें आम था, टमाटर था 2 कैरेट, बेंगलोर टमाटर था, लोकल टमाटर था, और 100 kg आम था, तो उसमें जो है 1.5 कैरेट मतलब आम हम लोग का बच गया है। तो आज हम लोग जो है लगभग जो है 6455 रुपये का सब्जी बेचे हैं, बाकी टमाटर भी बचा हुआ है, क्योंकि जानते हैं 100 रुपये किलो टमाटर है, 5-6 किलो बच जाता है तो उसमें 500 रुपया रह जाता है। और मिर्चा भी लिए थे 110 रुपये किलो, तो उसमें भी बचा हुआ है 3-4 किलो मिर्चा भी, 3 किलो मिर्चा भी बचा होगा क्योंकि महंगा था तो नहीं बिक रहा था। तो फिलहाल हम लोग के पास आज 6455 रुपया हुआ है, बाकी कल देखते हैं क्या रहने वाला है बाजार, क्या क्या खरीद पाते हैं। तो दोस्तों वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आई होगी दोस्तों प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा दोस्तों, और अगर आप चैनल पर नए होंगे दोस्तों प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, क्या माँ, बाय बाय, गुड नाइट। अब माँ भी देखिए नहा लिए हैं पूरा, सब कुछ सुबह में नहाता है, हम लोग रात में नहाते हैं 10 बजे रात में। चलिए माँ खाना वाना, देखिए पापा खाना खा के कैसा कर दिए घर, और घर का देखिए कुछ हाल इस प्रकार हम लोग का है, जगह तो पूरा कंजस्टेड है पूरा एकदम, बस सरकारी गैस मिला है तो ऐसा लग रहा है कि एकदम पूरा मुकेश अंबानी है हम लोग का माँ, गैस के चलते लगते कितना अमीर लोग है न। तो चलिए दोस्तों विदाई लेता हूँ, बाय बाय दोस्तों।